नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहतास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस बाइक टेक्निकल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। दोस्तों आपके पास कोई भी बाइक है, 100 सीसी, 125 सीसी या फिर 150 सीसी, जब भी आप उसकी सर्विस कराते हैं तो उस सर्विस के दौरान उसमें क्या क्या काम होने चाहिए और किस तरीके से होने चाहिए, इसके बारे में मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊँगा। अगर उस तरीके से आप उन कामों को नहीं कराते हो तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। तो दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों जब भी हमारे पास कोई बाइक सर्विस के लिए आती है तो सबसे पहले हमें उसे चला के चेक करना चाहिए अच्छे से, और उसके बाद चेक करना चाहिए उसका इंजन ऑयल लेवल। ये आप देख सकते हो, ये प्लेटिना बाइक है और इसमें शीशे का गेज होता है। आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है, इसमें ऑयल नहीं है। अब मैं इसको अपनी ओर झुकाता हूँ, उससे पता चलेगा इसमें ऑयल है या नहीं है। तो दोस्तों झुकाने पे, जैसे आप देख रहे हो झुकाने पे, धीरे धीरे इसका ऑयल ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इसका मतलब इसमें ऑयल है लेकिन कम है। जो आप ऊपर के जो दो निशान देख रहे हो, मैक्सिमम ऑयल लेवल यहाँ तक होना चाहिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम जो नीचे की ओर दो निशान है मिनिमम वहाँ तक होना चाहिए। अगर उससे भी कम है तो इसका मतलब है बाइक में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा ऑयल इसमें कम है। अब वो क्या प्रॉब्लम है, लीकेज की प्रॉब्लम है, इंजन ऑयल लीकेज कर रहा है, या बाइक ऑयल खा रही है, या सर्विस लेट हुई है, ऑयल निकालने के बाद ही पता चलेगा। अब इसका ऑयल निकाल लेता हूँ। दोस्तों मैंने इसका जो ड्रेन नट है नीचे वाला ऑयल निकालने वाला, वो मैंने पहले से लूज कर रखा है, तो मैं इसको खोल देता हूँ और फिर इसका ऑयल निकाल कर देखते हैं इसमें ऑयल कितना निकलता है। मैंने इस बाइक को पहले ही चला के देख लिया था, ये वाइट धुआं बिल्कुल भी नहीं दे रही है, इंजन इसका सही है और ना ही बाइक में कोई लीकेज है। इस बाइक की सर्विस है जो लेट हो रही है, वैसे 2000 किलोमीटर पर सर्विस हो जानी चाहिए, लेकिन बाइक चल चुकी है लगभग 4400 किलोमीटर 4400 किलोमीटर चल चुकी है, इस वजह से इसमें ऑयल कम निकल रहा है लेट सर्विस की वजह से। तो आप देख सकते हो इसमें ऑयल कितना निकला है, 1 लीटर ऑयल इसमें डलता है, 1 लीटर में से आप देख सकते हो कितना निकल रहा है इसमें, 400 से 500 ग्राम इसमें ऑयल निकला, मतलब आधा निकला है। जब भी सर्विस लेट होती है ज़्यादा तो ऑयल जल जाता है, ऑयल कम हो जाता है, तो सर्विस लेट भी नहीं करानी चाहिए, इससे भी इंजन में दिक्कत आती है क्योंकि ऑयल कम हो जाएगा, उससे इंजन सीज हो सकता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले पार्ट की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। मैं आपको दिखाता हूँ जो बाइक में गेज होता है ऑयल का, ये दो तरह के होते हैं। जो पहले नंबर पर आप देख सकते हो, ये ज़्यादातर हीरो की बाइक और यामा की बाइक में इस टाइप का गेज होता है, इसमें भी दो निशान होते हैं। आप देख सकते हो नीचे की ओर वाला मिनिमम का, कम से कम का, और ऊपर वाला जो मैक्सिमम का, ज़्यादा से ज़्यादा। और जो इससे नीचे जो गेज है दूसरे नंबर पर, ये ज़्यादातर बजाज की बाइकों में और रॉयल इनफील्ड में इस टाइप का गेज है शीशे का, उसमें ऑयल ऐसे नज़र आता है। इसमें भी दो निशान है, ऊपर मैक्सिमम का और नीचे मिनिमम का। अब चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। बाइक का जो एयर फिल्टर होता है, ये आप देख सकते हो ये एयर फिल्टर है, और ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको अंदर की ओर से, अंदर की ओर से आप देख सकते हो बिल्कुल इसका पेपर साफ दिख रहा है, लेकिन बाहर से ये बहुत ज़्यादा डस्ट पकड़ चुका है। अगर इस कंडीशन में आपकी बाइक का एयर फिल्टर है तो उसको चेंज करा देना चाहिए। अगर आप उसको चेंज नहीं कराते हैं तो ये डस्ट धीरे धीरे कार्बोरेटर से होते हुए हमारे बाइक के हेड में जाती है, पिस्टन के रिंगों को काट देगी, बैरिंगों को भी ख़राब कर देगी, धीरे धीरे इंजन बैठने लग जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में एयर फिल्टर है तो उसको तुरंत चेंज करा देना चाहिए। इसका अगर आप लालच करोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ये एयर फिल्टर हमेशा ख़राब है तो उसको चेंज करा देना चाहिए। तो अब चलते हैं दोस्तों इससे अगले पॉइंट की तरफ। जो बाइक के ब्रेक शू होते हैं, हमेशा सर्विस पे खोल के टायर साफ करने चाहिए, जिससे हमें बाइक की बहुत सी कमियों का भी पता चल जाता है। जैसे मान लो बाइक के व्हील के बैरिंग ख़राब हैं, या फिर कपलिंग रबड़े होती हैं जैसे वो ख़राब है, या ब्रेक शू स्प्रिंग वगैरह कोई ख़राब है, तो उससे हमें पूरा चेकअप हम उसका कर लेते हैं, जिससे हमें पूरी तसल्ली हो जाती है कि भाई सारी चीज़ें ठीक हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पता लगे आज हमने सर्विस करी है, 2 दिन बाद बाइक का व्हील जाम हो गया, स्प्रिंग टूट गया, या ब्रेक शू ख़राब हो गया, या बैरिंग कुछ भी ख़राब हो सकता है, तो
तो व्हील खोलने के बाद ये सारी चीज़ें अच्छे से चेक हो जाती है और जो कार्बन है ब्रेक्स होगा ये भी अच्छे से प्रेशर मार के साफ़ हो जाता है और ऑयलिंग वगैरह अच्छे से हो जाती है, जिससे हमारी बाइक के ब्रेक बढ़िया लगते हैं और आगे कोई प्रॉब्लम उनमें नहीं आती है। तो हमेशा अगला और पिछला व्हील खोल के साफ़ करना चाहिए, जिससे ब्रेक प्रॉपर सही तरीके से काम करे। आप देख सकते हो इसमें कितनी ज़्यादा धूल निकल रही है, अगर हम इसको खोल के साफ़ नहीं करेंगे तो ये सारी धूल हमारे ब्रेक शो पे ही लगती रहेगी बार बार और ब्रेक शो को ख़राब कर देगी। तो व्हील हमेशा खोल के बाइक के साफ़ करनी चाहिए, जिससे बिल्कुल ब्रेक बढ़िया लगे और बाइक में कोई भी कमी ना रहे। अगर बैरिंग ख़राब है तो बैरिंगों में ग्रीसिंग कर सकते हो, तो खोलने के बाद ही पता चलता है, तो सारी चीज़ों का चेकअप हो जाता है खोलने के बाद। तो चलते हैं दोस्तों अब इससे अगले पॉइंट की तरफ। स्पार्क प्लग, जो हमारी बाइक का स्पार्क प्लग होता है उसे खोलने के बाद, मैंने आपको ये दो प्लग दिखाए हैं, स्पार्क प्लग खोलने के बाद हमें पता चल जाता है इंजन की कंडीशन का। बाइक अगर उसमें स्पार्क प्लग में ऑयल जैसा चिपचिपापन निकल रहा है तो समझो इसके इंजन में दिक्कत है, और अगर सूखा पलक है तो इंजन ठीक है। मतलब स्पार्क प्लग खोलने से हमें ये पता चल जाता है कि इंजन की कंडीशन क्या थी है, बाइक ऑयल खा रही है या पेट्रोल ज़्यादा खा रही है या फिर माइलेज सही दे रही है या नहीं दे रही है। तो प्लग खोलने के बाद हमें अच्छे से पता चल जाता है, और हमें ये भी पता चल जाता है कि ये जो स्पार्क प्लग है चलने की हालत में है या बदलना पड़ेगा। तो स्पार्क प्लग भी हमेशा अच्छे से खोल के साफ़ करना चाहिए, और खोलने के बाद ही हमें पता चलेगा प्लग चलने की हालत में है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इससे अगले पॉइंट की तरफ। जो बाइक का कार्बेटर होता है ये दोस्तों हर बार सर्विस पे साफ़ कराना ज़रूरी नहीं है। अगर बाइक की माइलेज सही नहीं है तो माइलेज बाहर से सेट हो जाती है। अगर बाइक में मिसिंग की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है, बाइक दबती है या खुल के रेस नहीं लेती, तब कार्बोरेटर खुलवाना चाहिए, नहीं तो हर सर्विस में कार्बोरेटर को नहीं खुलवाना चाहिए, क्योंकि इसमें छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। अगर हम हर सर्विस में कार्बोरेटर को खुलवाएंगे तो कार्बोरेटर ख़राब हो जाएगा, इसलिए हर बार सर्विस में कार्बोरेटर साफ़ नहीं करवाना चाहिए, जब ज़रूरत हो तभी कराना चाहिए। अब चलते हैं इससे अगले पॉइंट की तरफ। जो हमारी बाइक की सभी वायरें होती हैं, रेस की, क्लच की, एक्सीलेटर की, ये भी अच्छे से चेक करनी चाहिए, जो आगे पीछे के सिरे हैं वहाँ से, जिससे अच्छे से हमें पता चल जाए कि वायर इसकी सही है या टूटने वाली है। हमें पता लगे हमने सर्विस करके दी और 2 दिन बाद ही वायर टूटी तो कस्टमर बोलेगा भाई कैसी सर्विस करके दी, इसलिए इनका भी चेकअप करना ज़रूरी है। अब कुछ बातें ये हैं दोस्तों, चैन सेटिंग करना, चैन लुब्रिकेंट करना और टायर का प्रेशर चेक करना, फुल बॉडी चेकअप करना, बॉडी कहीं से लूज तो नहीं है, और लाइट हॉर्न वगैरह का चेकअप करना, ये सभी काम सर्विस में आते हैं। ये सभी काम होने के बाद बाइक को अच्छे से चला के देखना चाहिए, कोई कमी तो नहीं रह गई है, उसके बाद हम बाइक कस्टमर को आराम से दे सकते हैं, बाइक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरीके से दोस्तों सभी काम सर्विस में होने चाहिए, अगर इस तरीके से काम होते तो बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर